हम भारतीयों की मूर्खता ही है कि हमें विश्व के सभी अग्रणी लोगों का नाम पता है, उन पर हम काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, पर भारतीयों का ज्ञान भारतीयों के विषय में बहुत कम है। अब पहले मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, 20वीं सदी का विश्व का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कौन? अब जब तक आप इस प्रश्न का हल तलाशते हैं, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक बालक कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहा था। उसका गणित थोड़ा कमज़ोर था, तो उसने अपने पड़ोस में रहने वाले एक कक्षा 6 के विद्यार्थी से गणित में मदद मांगी। अब आप कहेंगे कि शायद हम पगला गए। एक कक्षा 6 का विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी से गणित पढ़ता होगा, मैं कहीं उल्टा तो नहीं बता रहा? पर अभी इस उल्टी कहानी के कई अध्याय सुनाने। कक्षा 6 में पढ़ने वाला बालक धीरे धीरे हाई स्कूल तक पहुंच गया। परीक्षा में वह केवल पास मात्र हुआ, क्योंकि अन्य विषयों में केवल उत्तीर्ण मात्र हुआ, तथा गणित के परीक्षक ने उसकी पुस्तिका जांच पाने में असमर्थता जता दी। गणित का हर प्रश्न उसने कई तरीकों से हल किया। परीक्षा परिणाम में गणित के अंकों के स्थान पर लिखा था, परीक्षार्थी का ज्ञान परीक्षक से बहुत ज़्यादा। इंटर तक तो वह बालक गणित में पूरी तरह डूब गया। उसने गणित में ना जाने कितने शोध कर लिए, पर इंटर में वह फेल रहा, क्योंकि गणित के अतिरिक्त सभी विषयों में वह अनुत्तीर्ण रहा। उस लड़के का लगातार 6 साल इंटर में फेल होने का रिकॉर्ड भी बना। गणित की उत्तर पुस्तिका को जांचने को परीक्षक असफल थे, तथा शेष विषयों में पास होना उसके बस में ना था। अंग्रेजों की हम लाख बुराई सुनाए, पर हर होनहार भारतीयों को सम्मान उन्होंने ही दिया है। भारत में तो उस लड़के को सामान्य नौकरी भी नहीं मिली, पर उसकी गणित में विशेष ज्ञान की खबर अंग्रेज गणितज्ञों को मिली। धीरे धीरे उस लड़के का नाम विश्व के महानतम गणितों में हो गया। इंग्लैंड दौरे के बाद तो उसकी प्रतिभा का लोहा पूरा विश्व में मान लिया। उस लड़के की कहानी का अंत भी बहुत अलग रहा। लड़का इंग्लैंड के ठंडे मौसम में बीमार हो गया, इलाज से भी फायदा ना हुआ, और जांच में उसे टीबी की बीमारी निकली। टीबी उन दिनों लाइलाज बीमारी थी। जो लड़का अपने प्राण त्यागने अपनी भारत भूमि लौट आया, मात्र 35 साल की आयु में वह इस असार संसार को छोड़ गया। पर उस लड़के की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है। लड़के ने अपनी माँ को अंतिम इच्छा बताई कि उसकी डायरी, जिसमें वह शोधों का परिणाम मात्र लिखता था, उसके एक विश्वास पात्र अंग्रेज गणितज्ञ मित्र को दे देना, और आज तक उन सूत्रों पर रिसर्च हो रही है। अभी तक आधे ही सूत्रों को हल करने का तरीका गणितज्ञ पता लगा पाए हैं। उस लड़के की वह डायरी आज भी पूरे विश्व के गणितज्ञों के लिए चुनौती बनी हुई है। अब इस कहानी को सुनाने से पहले जो प्रश्न सुनाया था, उसका उत्तर आप हमारे कमेंट लिंक्स में भेज दीजिए। सोच सकते हैं आप, यदि नहीं पता तो उत्तर है रामानुजाचार्य। और ऊपर जो कहानी सुनाई थी वह इस महान गणितज्ञ की जीवनी है। तो स्वयं विचार कीजिए कि आपको करना क्या है। तब तक के लिए लाइक मारिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे की स्टोरी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।